नान, उसके लिए हमने मैदा लिया है, दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिसी हुई शक्कर, नमक और ऑयल और नीम गर्म पानी से भूनेंगे, ठीक है। कितनी क्वांटिटी लिए मैंने, 1.5 कप जो है वो मैदा लिया है, 1 कप और 1/2 कप, 3 टेबल स्पून मैंने भर के दही ली है, ठीक है। 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लगेगा, हम इसको भूनते हुए डालते जाएंगे। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर ली है, ठीक है। अच्छा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, ठीक है। और हम इसको भूनेंगे नीम गर्म पानी से। हमने मैदा डाल लिया, ठीक है। अब अपने ड्राई लिए नमक, शक्कर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, ठीक है। पहले दही को शामिल करते हैं, दही भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। एक टेबल स्पून के बराबर हमने ऑयल शामिल किया अभी इसमें। अब हम जो है वो इसमें नीम गर्म पानी जितने जितने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि हमारा डो रेडी हो जाए। नीम गर्म पानी शामिल करेंगे अपने आटे को भूनने के लिए। सर डो तैयार है, ठीक है। अब हम जो है वो इसको ढक के जो है वो हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया, ठीक है। अब हम इसको रेडी है। हमने पेड़ा उठाया, खुश्की डाली, इसको साइड में रखते हैं, दूसरा उठा लेते हैं, तो हाथ से बड़ा करेंगे। ठीक है, हमने अपना नान बेल लिया। अब हम जो साइड तवे पे डालेंगे, तवा हमने पहले से गरम करने के लिए रख दिया, ठीक है। जो साइड हम तवे पे डालेंगे उस पर अच्छा सा ठीक ठाक जो है वो हम पानी लगाएंगे ब्रश की मदद से। होने के लिए रखा था, लोहे का तवा यूज करिएगा, नॉन स्टिक के तवे में नहीं बनेगा। हमने जो है हमने पानी लगाया, बिस्मिल्लाह। अच्छे से हमारे बबल आ गए, फिर हम वही करेंगे, तवे को उल्टेंगे और अपने इसको नानों को सेकेंगे।
रेसिपी पक गया है। ठीक है, मज़ेदार से होम मेड तवा नान रेडी है, आप इसको इंजॉय कीजिएगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।